सो हे गाइस, दिस संदीप सिंह। आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। जो पल्सर NS रहती है उसमें कई बार क्या होता है, हम जो कूलेंट डालते हैं वो इंजन ऑयल में मिक्स हो जाता है, तो और आप डालते होंगे कूलेंट, वो कम भी हो जाता है, तो क्यों होता है, उसकी क्या वजह है, आज मैं बताने वाला हूँ। देखिए, आप इधर लाइए कैमरा। तो भाई क्या होता है कि कभी कभार NS में है ना कूलेंट कम हो जाता है हमारा, या फिर इंजन ऑयल में मिक्स हो जाता है, वो बहुत इंजन के लिए हार्मफुल रहता है। तो मैं बताने वाला हूँ, ये जो रहता है यहाँ, तो हम कूलेंट डालते हैं यहाँ से, एक्स्ट्रा जो रहता है इसमें रहता है, अरे उसमें कम हो जाता है, रिजर्वायर है इसमें, अगर ये रेडिएटर रहता है अंदर, उसमें कम हो जाता है तो वो यहाँ से रेडिएटर ले लेता है कूलेंट। पर ये देखिए, रेडिएटर का ये पाइप आता है, आपको मैं दिखाता हूँ, ये पाइप आता है रेडिएटर का, यहाँ से ये इंजन में चले जाता है कूलेंट, यहाँ आजू बाजू घूमता रहता है। पर कभी कभार क्या होता है कि इंजन ऑयल में मिक्स हो जाता है कूलेंट, तो कैसे होता है, ये जो खोलेंगे ना हम, इसके अंदर एक सील रहती है, ऑयल सील, वो जब कट हो जाती है तो इंजन में जाने लगता है, हमारा जो कूलेंट होता है ना इंजन ऑयल से मिक्स हो जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ उस चीज़ को हम कैसे सही करते हैं। चलिए हम इसे खोल लेते हैं, कूलेंट मैंने पहले ही निकाल लिया है पूरा, हम इसे खोल लेते हैं, उसके बाद में सील बदलना आपको बताता हूँ। तो भाई ये 8 नंबर के नट हैं, तो हमें पाना चाहिए होगा इसे खोलने के लिए, हम खोल लेते हैं। ये हमें पहले ये वाला पाइप निकालना होगा, दोनों तरफ एक एक नट रहता है, दोनों हम खोल लेंगे अच्छे से। देखिए हमारे बलराम भाई खोल रहे हैं, ये नट खुल जाएंगे, उसके बाद ये पाइप निकल जाएगा। अब ध्यान रखें कि पाइप निकले ना, तब नीचे आप कुछ रख लें, बर्तन या फिर टब या प्लास्टिक का कुछ ऐसा रख लें जिसमें कूलेंट गिरे, नहीं तो नीचे फैल जाएगा, इसमें से कूलेंट निकलेगा। मैं पहले ही निकाल चुका था इसलिए आपको ज़्यादा निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, नहीं तो ये पूरा अच्छे प्रेशर से ही आता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, नीचे कुछ रख लें। फिर ये बाकी के 8 नंबर के बोल्ट हैं, ये भी मैं खोल लूँगा सारे, ये मैं सारे खोल रहा हूँ। आपके इसके लिए टी पाना चाहिए होगा, ये टी स्पैनर जैसे बोलते हैं, टामी भी बोलते हैं कुछ लोग, तो ये आपको चाहिए होगा। ये पूरा खुल जाएगा, इसके अंदर रहती है भाई ऑयल सील, तो ये हम खोल लेते हैं। हमें बलराम भाई खोल रहे हैं, इसमें से भी निकल सकता है कूलेंट, आप ध्यान रखें नीचे कुछ रख लें ताकि पूरा नीचे का फर्श गंदा ना हो या कुछ हो ना। देखिए इसके अंदर ये चक्री जैसी लगी है, चक्री के पीछे लगी रहती है ऑयल सील, मतलब एक रबड़ की सील रहती है जो कूलेंट को अंदर जाने से रोकती है। तो ये हम खोल लेते हैं, ये चक्री निकल जाएगी। ध्यान रखें ये चक्री रहती है प्लास्टिक की, ठीक है। तो इसे ना अगर आप प्लास से भी निकालते हैं या प्लायर आप बोलते हैं जो भी बोलते हैं उससे निकालते हैं, ध्यान से निकालें आराम से खींच के। ये देखिए कितने आराम से निकाली हमने। अब इसके अंदर ये देखिए, ये चक्री निकल गई, इसके अंदर ये ऑयल सील यहाँ लगी हुई है, ये लॉक हमें खोलना पड़ेगा इसके लिए, तो हम ये लॉक खोल लेते हैं पहले। तो ये लॉक खोलने के लिए हमें चाहिए होगा नोज प्लास, ये देखिए आप सीधा वाला नोज प्लास चाहिए होगा जो सीधा चलता है, दो तरह के नोज प्लास आते हैं, एक उल्टा भी आता है एक सीधा भी, तो हमें सीधा वाला चाहिए। ये देखिए लॉक खुल गया, ऐसे दबा के इसे ये हम लॉक को बाहर ले आएंगे। फिर इसमें जो भी इसका है साफ वाफ करेंगे और पूरी ऑयल सील निकाल लेंगे। अब फट तो गई है तो हम पेचकस से निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वैसे भी फट चुकी है, तो उसे और क्या डैमेज होगा। तो हम ये ऑयल सील निकाल लेते हैं, फिर यहाँ पे हम नई ऑयल सील लगाएंगे पूरा साफ वाफ करके। इसमें शायद थोड़ी सी बॉन्ड वगैरह भी भरी हुई है, तो हम साफ़ कर लेते हैं और ऑयल सील निकाल लेते हैं। हमारे बलराम भाई निकाल रहे हैं, देखिए पेचकस से ये बस निकल ही जाएगी। तो ये निकाल के फिर हम नई वाली इसमें सील लगाएंगे, कोई ज़्यादा महंगी नहीं आती इसकी ऑयल सील, सस्ती आती है, तो ये हम निकाल लेते हैं फिर आपको मिलते हैं। तो भाई लोग ये देखिए ऑयल सील निकल चुकी है, इसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी इसलिए हमारा जो कूलेंट है ऑयल में मिक्स हो रहा था अंदर। तो ये ध्यान रखें आपकी गाड़ी को डैमेज ना हो, इसलिए ये ऑयल सील आप बदल दें। ये देखिए नई ऑयल सील मैं लगा रहा हूँ, ये वही ऑयल सील है जो स्प्लेंडर की किक शाफ्ट में लगती है, तो 10-20 रुपए की आपको कहीं भी मिल जाएगी। ओरिजिनल भी लाएंगे हीरो की तो 30-40 रुपए की, इससे ज़्यादा की नहीं आएगी। तो आप ये वाली यूज़ कर सकते हैं अगर बजाज की ना मिले तो, सेम साइज़ है, सब कुछ सेम है, ये आराम से फिट हो जाएगी। इसे एक अच्छा कुछ इसका टूल लें, उससे ही इसे फिट करें, दबा दें इसे अच्छे से। तो भाई लोग हम इस सील को ठोक रहे हैं, स्पार्क प्लग का एक पाना होता है तो उससे हम ठोक रहे हैं, या पेचकस का जो एंड होता है उससे भी आप ठोक सकते हैं। ज़्यादा लाइट ही ठोकना है, ज़्यादा दम से नहीं ठोकना है क्योंकि ये रबड़ की सील रहती कट सकती है। तो ये देखिए आराम से अंदर चली गई है, अब इसका हम लॉक लगा देंगे जैसे निकाला था सीधे नोज प्लास से, वैसे ही सेम इसे दबा के। ये देखिए हमारे बलराम भाई लगा रहे हैं, आप ऐसे फिट कर देंगे सीधे नोज प्लास से, उसे दबा देंगे अच्छे से, ठीक है। थोड़ा अंदर बैठ जाएगा तो उसे आप अच्छे से मतलब धक्का दे सकते हैं पेचकस से या किसी चीज़ से, ताकि वो पूरी तरह बैठ जाए, उसमें किट की आवाज़ आएगी आपको, तो
तो वो ज़रूर आ जानी चाहिए। तो आप समझ जाइए कि बैठ चुका है लॉक, ये थोड़ा मुश्किल आ रही है बलराम भाई को लगाने में, देखिए लग जाएगा पर थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए फिट हो गया है, अब इसे हम पेचकस से थोड़ा इसे दबा देंगे। देखिए हमारे बलराम भाई अब पेचकस से इसे दबा रहे हैं, ये देखिए ये थोड़ा ठोक देंगे हल्के हल्के हाथों से तो ये अंदर चला गया। ये देखिए परफेक्टली फिट हो गया, अब सील कहीं भी नहीं जाने वाली है इसकी। तो भाई जो जो खोला था हमने वो लगा देंगे वैसे का वैसे ही। ये देखिए हमने चक्री जो खोली थी ना, चक्री टाइप का जो भी है प्लास्टिक का, तो इसे हम वापस फिट कर देंगे अच्छा आराम से धक्का देके। इसका एक वॉशर रहता है, ये वॉशर लगा लिया, उसके बाद इसका नट जो रहता है अच्छे से प्यार से हम टाइट कर देंगे। बहुत ज़्यादा टाइटली भी नहीं कसना है और ढीला भी नहीं छोड़ना है। तो ये देखिए हमारे बलराम भाई इसे कस रहे हैं, इसे कस के इसके ऊपर वाला हम ढक्कन लगा देंगे। फिर इसका जो ढक्कन है इस पर भी भाई एक सील रहती है रबड़ की, देखिए आप दिख रही होगी आपको, तो उसे साफ ऑफ करके आप बढ़िया से लगा दें। भाई उसका ढक्कन लगा दिया है, अभी हम 8 नंबर के जो बोल्ट हैं सारे इसके अच्छे से कस लेते हैं टामी से, टी स्पैनर आप जो भी बोलते हो उससे अच्छे से टाइटली। हमारे देखिए बलराम भाई कस रहे हैं अच्छे टाइटली, इन्हें कस लेंगे ताकि भाई कुछ लीकेज वगैरह ना हो, ठीक है। अच्छा साफ ऑफ करें पहले, उसके बाद ही इन्हें अच्छे से कसें, कोई धूल वूल का कण या कुछ कंखड़ वगैरह ना रह जाए। तो इसे अच्छे से कस लेंगे, ये देखिए हमारे बलराम भाई बढ़िया से इसे कस चुके हैं, सारे नट टाइट हो गए। अब ये जो पाइप है इसे हम फिट कर देंगे और नट कस लेते हैं, फिर हम आपको मिलते हैं। अब देखिए भाई इसका जो रिजर्वायर है इसमें तो कूलेंट डाला हुआ है, ठीक है, पर इसके जो रेडिएटर में था उसमें से इंजन में मिक्स हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, रेडिएटर अभी हमारा खाली हो गया था, ये तो रिजर्वायर में तो है, तो हम ये रेडिएटर का जो कैप देख रहे हैं आप या अंदर छुपा रहता है, इसके लिए आपको टैंक वगैरह खोलना पड़ेगा, पर हम ऐसी मैकेनिक है हमारे पास तो हम यहीं ऊपर से खोल के इसमें कूलेंट डाल देंगे अच्छे से। तो भाई हमने ये रेडिएटर का कैप खोल लिया है, ध्यान रखें गाड़ी गर्म रहे तब इसे ना खोलें, ठंडी रहे तभी खोलें इसे आराम से। अब देखिए एक ये फनल है मेरे पास प्लास्टिक का, इसे चुंगी भी बोलते हैं, इसमें मैंने पाइप लगा लिया और रेडिएटर के इसमें डाल दिया। तो मेरे पास जो कूलेंट था ये मैंने तगाड़ी में भर लिया था एक छोटी सी, तो इस कूलेंट को ही जो निकला था वही मैं वापस डाल दे रहा हूँ। ये मॉड्यूल का यूज़ किया था मैंने, 200 रुपये का 1 लीटर आ जाता है, तो वो यूज़ किया था वही मैं वापस इसमें डाल ले रहा हूँ। आप ध्यान रखिएगा आप जब इसे ये ढक्कन खोलें तो गाड़ी गर्म ना रहे भाई, नहीं तो उसमें बहुत प्रेशर रहता है, कुछ घटना भी हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा मैकेनिक के अंडर ही खोलिएगा ये सब चीज़ें आप। तो हमने कूलेंट भर दिया, ये हमारे बलराम भाई ये ढक्कन वापस से अच्छा टाइटली से फिट कर रहे हैं, जैसे उनने जुगाड़ से खोला था वैसे ही फिट कर रहे हैं, नहीं तो इतना सब टंकी वगैरह कौन खोलता भाई, तो वैसे के वैसे ही इसे टाइटली फिट कर दे रहे हैं। तो गाइस प्रॉब्लम हमारी हो चुकी है सॉल्व, ऑयल सील मात्र 10 रुपये की आती जो कि स्प्लेंडर की किक में भी सेम लगती है, कोई बहुत महंगा नहीं आता, अगर आप कंपनी की भी लेंगे तो थोड़ा सा 20-30 रुपये की आएगी, इससे ज़्यादा महंगी नहीं आने वाली। तो आपको मैंने सॉल्यूशन बता ही दिया इसका क्या सॉल्यूशन है, अब आपका इंजन एकदम स्वस्थ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कूलेंट डालना भी बता दिया, कौन सा कूलेंट मैंने यूज़ करा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अमेज़ॉन से आप बाय कर सकते हैं। बाकी आप बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव था या नहीं था, और भी मिलेंगे बेहतर कंटेंट के साथ आपके साथ बाद में जुड़ेंगे इसी तरह। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी इतना ही था वीडियो में, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस।